पीपीगंज पुलिस ने मोबाइल की दुकान में हुई चोरी की घटना का पर्दाफाश करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया अभियुक्त अवधेश हरिजन पुत्र स्वर्गीय राम सावर पीपीगंज थाना क्षेत्र के ही वार्ड नंबर 1 अंबेडकर नगर का रहने वाला है, जिसके पास से पुलिस ने 17 सेट मोबाइल चार्जर ईयरफोन तथा शाहपुर थाना क्षेत्र में चोरी हुई एक स्कूटी बरामद की है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए SP साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी ने बताया कि 22 जून को पावर हाउस पीपीगंज के पास मोबाइल की दुकान में ताला तोड़कर चोरी हुई थी, जिसका पर्दाफाश पीपीगंज पुलिस ने किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी ने बताया। इसकी केस हिस्ट्री आप लोगों ने देखी होगी, ये कई बार जेल गया है, दो बार तो मैं भेजा हूँ, तीसरी बार नहीं भेजा। एक मोबाइल की दुकान में शटर तोड़कर चोरी की गई थी और हमारी टीम इसको बड़ी गंभीरता से, बड़े वैज्ञानिक प्रकार से तथा फॉरेंसिक टीम की मदद लेते हुए हमारे SO ने इस पर काफ़ी कारगर तरीके से काम किया और CO साहब ने बिल्कुल लगातार निगरानी रखी। और ये सबसे बड़ी बात, जितनी मोबाइल 17 मोबाइल चोरी हुई थी, 17 की 17 बरामद हुई है। इसने अपनी जुर्म को सब बखूबी स्वीकार किया है और इसके साथ से एक शाहपुर में चोरी की गई स्कूटी भी बरामद हुई है, जिसमें बताया गया SSM ने चोरी की थी। बाकी तथ्यों की जानकारी पुलिस कर रही है तथा अन्य पूछताछ भी कर रही है तथा ये भी जानने का प्रयास कर रही है कि किसकी सरपरस्ती में इस तरह के कामों को सर अंजाम देता है। पूरी टीम को ये अकेले काम कर रहे थे फिलहाल, और बाकी पूछताछ बाकी विश्लेषण हम आपको बताएंगे।